हमर नाम भेल विनीत कुमार महतो। हमे धर्मपुर पंचायत के रहे वाला छी। हमर गांव खेतापुर है और प्रखंड सरंजन भेल जिला समस्तीपुर बिहार के हम निवासी छी। बीआरपी के पद पर जीविका में काम कर रहे छी। दीदी, इस बार हमने आलू का खेती आलू मूल्य श्रृंखला के तरीका से करवाए हैं। आलू मूल्य श्रृंखला में इस बार हम सब वीडियो दीदी के देख ले ली। सब वीडियो देखा कर जना कि बीज उपचार के भेल, ओके बाद छटाई उटाई कर कर आ उपचार कैली, उपचार कर कर आ जे ओय में रोपाई के 8 इंची पर रोपाई के वीडियो देखैली आ 2 फीट पर पाती के ई सब देखा कर छिड़काव के देखैली जे दवा केना 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोर कर छिटे के है। उ सब देखैली आ उ ढंग से जे दीदी कैलन है खेती उ बहुत खुश हतन। लेकिन कुछ दीदी जे है आलू के मूल्य श्रृंखला के सब वीडियो न देखलन कोनो कारणवश, उ दीदी के फसल जर गेल, पूरे पाला मार दिलक। उ दीदी बहुत दुखी हतन, नाराज हतन आ बोलन अगला बार से हम इ विधि के हम अपनाएं, सब विधि के वीडियो के अपनाएं। जो दीदी आलू का सब वीडियो को अपनाई है उस दीदी से चलिए मिलवाते हैं, और जो दीदी आलू का वीडियो सब नहीं अपनाई है मूल्य श्रृंखला का उनसे भी मिलवाते हैं। मेरा नाम रजनीगंधा है। ई बेर आलू के मूल्य श्रृंखला के सारा वीडियो देख लिए हैं, उहे अनुसार हम रोपलिए हैं आ बहुत अच्छा फसल होले हैं। पिछले दा रोपलिए रे आलू मगर अच्छा नहीं होले रे, क्योंकि उपचार करके नहीं रोपलिए रे। ई बेर उपचार करके गोटा आलू रोपलिए से बहुत अच्छा फसल होले हैं। अभी देखे में भी हरा भरा है आ खेत भी एकदम अच्छा है, जरबो आर नहीं कैले हैं। इस पेड़ हमार देखियो कितना हरा भरा है, कितना सुंदर लगे हैं। आलू भी देखियो, वीडियो में जे जे महिला मतलब उपचार करके रोपलखिन हर आलू तो बहुत अच्छा निकले, आ जे महिला उपचार करके नहीं रोपलखिन हर एकदम आलू बेकार हो गए, जर गए। वो अब दुख हथिन आ सोचे हथिन कि जे केना हम अच्छा करिए। वो महिला से आवे हथिन पूछे ले आ वह अनुसार कहथिन अगला बेर हम भी ऐसा ही रोपबे, अच्छा फसल होता अहाँ तनि हमरा बता दियो, समझा दियो। किरण देवी है। आलू मूली श्रृंखला के हम 5 गो वीडियो देख लिए और गोटा आलू के उपचार कर रोपलिए, ओहिमे हमरा बहुत अच्छा फसल होले। पहले हम लगे लगे आलू सब रोप दे रहिए, लेकिन आब 8 इंची पर रोपलिए हैं तो हमारा आलू बहुत अच्छा उपज भेले हैं। और आसपास के लोग सब नए उपचार कलके तो सबके जल गेले, लेकिन हमर नहीं पाला मारलक उपचार कर रोपलिए तो आ M45 के छिड़काव के लिए तो बहुत सुंदर उपज होले। आलू श्रृंखला के सब दीदी वीडियो देखू और सब गोटा लाभ उठाओ। शीला देवी अथी उपचार करके आलू गोटे रोपे तो कभी नहीं एहन फसल हो, ओहन फसल एमरी है, खेत भरा है हरियरी। पहले इस तरह से खेती हम लोग कभी नहीं किए, आ जैसे भैया दिखाए हैं तो वैसे हम उपचार करके रोपे हैं तो इमरीदा खेत सब में हरा हरी लागल है, हरियर न सब जर गेल पहले का। दीदी सके हम बतब जे खूब यह उपचार करोप M45 से उपचार करोप सब गोटा के खूब उपजा हो तो लाभ उठाव सब गोटा। बीआरपी भैया वीडियो दिखाए हैं, वीडियो देख कर आलू रोपे हैं, आलू अच्छा है, छिड़काव किए हैं M45।
तो दीदी को रजनीगंधा के उपचार के रोपलखी तो अच्छा उपजल अगला साल हम उपचार कर रोप तो अच्छा। बताए विनीत जी रजनीगंधा हमको नहीं हुआ, कहे आलू डाट गल गया, आगे साल बताएंगे तो कोई कार करेंगे। हमरा खेत के बगल में हिनकर खेत हैं, लेकिन ई आलू बीज उपचार कर नहीं रोपल है, जै कारण से झुलसा रोग से पूरा प्लॉट जल गेले। ये आलू हमरा सावित्री दीदी के हैं, जे आलू के बीज उपचार कर और आलू रोपलखिन, और वहे प्लॉट के बगल में ये प्लॉट है, जे अभी तक अमे झुलसा रोग नहीं धलके हैं। यह प्लॉट बीज उपचार करके आलू रोपा हुआ है, जिसके कारण अभी हरा भरा है। और बगल में बगल का प्लॉट बीज उपचार करके नहीं रोपा गया, जो झुलसा रोग से पूर्ण रूप से जल के खत्म हो गया।